one end of the rod of length 1 meter is kept at a temperature 0 degree centigrade and at other end kept at boiling water at 100 degree centigrade, the area of cross section of the rod is 0.04 centimeter square. Assuming no heat loss to the atmosphere, find the mass of the ice melting per second. Latent heat of the fusion of ice is 3.36 × 10⁵. ओके तो यहाँ पे टाइम दे रखा है एक सेकंड में कितना हीट कितना आइस फ्यूज़ होगा ये बताना है। यहाँ पे टेम्परेचर T2 है वो 100 बोल देते हैं, T1 है वो 0 डिग्री, यानी हीट आपका यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है और यहाँ पे आपने आइस रख दिया, ठीक है। ये आपने आइस रखा है जो फ्यूज़ हो रहा है, पर सेकंड कितना फ्यूज़ हो रहा है यही अपने को बताना है। तो हीट कितना फ्लो हो रहा है, हीट करंट की बात करें या क्यू बाई टी की बात करें, तो फॉर्मूला क्या है, KA डेल्टा टी बाई एल, ये आपके पास फॉर्मूला है हीट करंट का, यानी हीट फ्लो कितना हो रहा है पर यूनिट टाइम, तो ये आपके पास फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हीट की बात करें तो हीट यूज़ कहाँ हो रहा है, सारा हीट एटमॉस्फेयर में तो कुछ लॉस हो नहीं रहा, तो सारा हीट इस आइस को फ्यूज़ करने में काम आ रहा है, यानी इस आइस को वाटर कन्वर्ट करने में काम आ रहा है, यानी मैं बोल सकता हूँ Q = ML में काम आ रहा है, राइट। लेटेंट हीट के लिए तो मैं लिख सकता हूँ M × L / T = KA∆T/L आ जाएगा। ओके, यहाँ पर अपने को मास पूछा है तो मास कितना आ जाएगा, KA∆T * आ जाएगा आपके पास * क्या आ जाएगा, ये समय और ये आ जाएगा लेंथ और ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, इसको मैं कैपिटल एल लिख देता हूँ, तो ये आपका लेटेंट हीट और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, के कितना देर का है, के अपने को देर का है 46, एरिया कितना देर का, एरिया 0.04 × 10⁻⁴। ओके, और चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं, 100 - 0 100 होता है और समय 1 सेकंड है, डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है 1 मीटर है, लेंथ 1 मीटर है। ओके, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 3.36 × 10⁵ है। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो अपने पास मास कुछ आएगा, यहाँ पर आएगा 54.76 × 10⁻⁶ आ जाएगा, या फिर इसको मैं और सॉल्व करता हूँ तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे 5.47 × 10⁻⁹ आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है 10⁻⁹ आ रहा है, लेकिन ये केजी में आ रहा है, 10⁻⁹ केजी में आ रहा है, तो अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करता हूँ तो 10⁻⁶ हो जाएगा, तो यहाँ पे केजी में आया, तो इसको मैं और कन्वर्ट करता हूँ तो 10⁻⁵, इसको ग्राम में लिख सकता हूँ मैं 5.47 × 10⁻⁵ ग्राम में लिख सकता हूँ, या फिर अपन लिख सकते हैं एवरेज करें अप्रोक्स करें तो 5.5 × 10⁵ ग्राम, ये आपका आंसर दे रखा है 5.5 × 10⁻⁵ ग्राम, केजी में देखें 10⁻⁹ में ये आंसर आ जाएगा। ओके,